हेलो एवरीवन वेरी वॉम वेलकम टू एल के अकेडमी एंड वेरी वॉम वेलकम टू करंट अफेयर्स लेक्चर नंबर थर्टी सो आई होप यू हैव गॉन थ्रू ऑल द प्रीवियस लेक्चर्स एंड एज रिकमेंडेड यू हैव गॉन थ्रू दी करंट यू पी एस सी एग्जामिनेशन जो कि अभी चार अक्टूबर को ली गई थी उसका ऑलरेडी जो बाइफरगेसन था जो क्वेश्चन वाइज या मॉड्यूल वाइज जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो ऑलरेडी आपको एल के की तरफ से पूरा एनालिसिस आपको दे दिया गया है जस्ट फॉलो दैट दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन सो आज का जो हमारा लेक्चर है करंट अफेयर्स का वो हम स्टार्ट करेंगे विद दी कोट फ्रॉम कॉल इन पोवेल देर आर नो सीक्रेट्स टू सक्सेस ओके सक्सेस कोई सीक्रेट नहीं है सक्सेस इज द ओनली थिंग जो कि आपको मिलेगी वर्क से परसिवरन से राइट सो इट इज़ द रिजल्ट ऑफ प्रिपरेशन वर्क एंड लर्निंग फ्रॉम योर फेलियर्स सो so, आपको अगर मेरिट लिस्ट में आना है सो यू हैव टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग प्रिपेयर करना स्टार्ट कर रहे हो उसके बाद यू हैव टू कीप हार्ड वर्किंग राइट हार्ड वर्क करना है परसिवरन से काम करना है और जहाँ पर आप वीक हो ऐसा ज़रूरी है कि आप सारे ही सब्जेक्ट में एवन होंगे जो जो सब्जेक्ट में आप वीक हो उसको बार बार रिवाइज करके प्रिपेयर करो अप्रोच योर फैकल्टीज फॉर एनी काइंड ऑफ हेल्प दे विल एनी टाइम हेल्प यू राइट सो दिस इज़ अवर टूडेज़ कोर्ट और इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे सो so, पहला जो हमारा खबर आती हुई हमें दिख रही है वो है गोवा से सो so, गोवा को इंडिया का पहला हर घर जल स्टेट डिक्लेयर किया गया है हर घर जल योजना हमें पता है 2019 में ही हमने देखा था कि जब गजेंद्र सिंह शेखावत मिनिस्टर बने थे तो उन्होंने 2024 तक गांव के हर घर में टैप वाटर पहुंचाने के लिए एक योजना बनाई थी जिसको क्या कहा जा रहा था हर घर जल राइट सो रिसेंटली गोवा हैज़ बिकम द फर्स्ट हर घर जल स्टेट इन द कंट्री एज इट सक्सेसफुली प्रोवाइडेड 100 परसेंट फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शंस इन द रूरल एरियाज कवरिंग टू पॉइंट थ्री लैख रूरल हाउस होल्ड गोवा इज क्वाइट अ स्मॉल स्टेट कम्पेर टिव अदर स्टेट्स राइट तो गोवा में किसी भी छोटे स्टेट में जहाँ पे पॉपुलेशन कम है तो वहाँ पे किसी भी स्कीम को अगर आपको अप्लाई करना है सो दैट इज़ क्वाइट इजी एडमिनिस्ट्रेशन इज़ क्वाइट इजी एंड दैट्स वाई गोवा ने ये काफ़ी अच्छी तरीके से इसको अप्लाई करके दिखाया है और ऑन पेपर एज ऑफ नाउ गाँव के हर गोवा के हर ज़िले का हर गाँव में टैप वाटर आपको देखने को मिलेगा इसका क्या मतलब हुआ कि किसी को पानी भरने के लिए अपने घर से बाहर नहीं जाना पड़ेगा कई हर स्टेट में ऐसे गांव हैं जहाँ पे वहाँ की महिलाओं को या वहाँ के मर्दों को पानी भरने के लिए 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर, दूर दूर तक जाना पड़ता है क्यों बिकॉज द टैप वाटर इज नॉट अवेलेबल तो इसी को ओवरकम करने के लिए ये हर घर जल योजना लाई गई थी या नल से जल योजना लाई गई थी तो गोवा उसमें टॉप किया है जल जीवन मिशन एन सप्लाई ऑफ 55 फाइव लीटर्स ऑफ वाटर पर पर्सन पर डे टू एवरी रूरल हाउस होल्ड थ्रू फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन देखिए फंक्शनल लिखना काफ़ी ज़रूरी है ऐसा नहीं कि सिर्फ नल लगा के कनेक्शन दे दिया तो सरकार का काम खत्म हो गया देट शुड भी फंक्शनल मतलब उसको पूरी ड्रेनेज सिस्टम के साथ आपको जोड़ना पड़ेगा जहाँ से आपका आ, पानी आ रहा है तो ग्राउंड वाटर सिस्टम के साथ उसको जोड़ना काफ़ी ज़रूरी होगा और एवरी पर्सन को घर में पर पर्सन पर डे 55 लीटर्स ऑफ वाटर देने का गोल रखा गया है इन रूरल एरियाज़ सो जल जीवन मिशन एनवी सी इज़ सप्लाई ऑफ फिफ्टी फाइव लीटर्स ऑफ वाटर पर पर्सन पर डे टू एवरी रूरल हाउस होल्ड थ्रू फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन बाई ट्वेंटी ट्वेंटी फोर देखिए रूरल की जगह अगर आपको एग्ज़ाम में अर्बन पूछा जाता है तो वो गलत हो जाएगा फिफ्टी फाइव की जगह और कोई नंबर दिया जाता है वो गलत हो जाएगा सिर्फ नल का कनेक्शन दे दिया जाना चाहिए ऐसा अगर पूछा जाता है अंडर जल जीवन मिशन तो वो भी गलत हो जाएगा फ़र्स्ट सेंटेंस अलग अगर कोई भी चीज़ होगी तो वो हो क्या हो जाएगी गलत हो जाएगी तो जो डिटेल्स है उस पर भी आपको नज़र रखनी है जो छोटी छोटी डिटेल्स है राइट सो जे जे एम फोकस ऑन इंटीग्रेटेड डिमांड एंड सप्लाई साइड मैनेजमेंट ऑफ वाटर एट दी लोकल लेवल तो अब तक क्या था कि जो लोकल बॉडीज थी उनके पास इतना स्ट्रक्चर ही नहीं था कि वो हर घर में नल से जल पहुँचा सके सो so, दो से ये स्टार्ट हुआ है कि पाँच साल में हमें वो स्ट्रक्चर को खड़ा करना है ताकि जब आज़ादी के पचहत्तर साल पूरे हो रहे हमारे तो किसी भी महिला को पानी भरने के लिए अपने घर से बाहर ना निकलना पड़े पाँच किलोमीटर दस किलोमीटर चल के ना जाना पड़े ताकि उनका लाइफस्टाइल थोड़ा बहुत क्या हो जाए बेहतर हो जाए क्रिएशन ऑफ लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर सोर्स सस्टेनेबिलिटी मेजर्स एज मैंडेटरी एलिमेंट्स लाइक रेन वाटर हार्वेस्टिंग अब देखिए ये सारी साइंस से जुड़ी हुई चीज़ें हैं और साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से साइंस या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है वो काफ़ी ज़रूरी है अब लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अच्छे से कर पाएगा जब उसके पास अच्छे से फंड होगा और वो फंड को इस्तेमाल करने के लिए अच्छी सी पॉलिसी होगी तो ये काम आपके म्यूनिसपल कमिश्नर का हो जाएगा जो आई ऑफिसर होगा आपके सिटी में या डिस्ट्रिक्ट में तो उसका काम ही हो जाएगा कि किस तरह से हर घर में मुझे पानी पहुंचाना है मीठा पानी पहुंचाना है क्रिएशन ऑफ लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर सोर्स सस्टेनेबिलिटी मेजर्स एज मैंडेटरी एलिमेंट्स लाइक रेन वाटर हार्वेस्टिंग ग्राउंड वाटर रीचार्ज एंड मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड वाटर वेस्ट वाटर फॉर री यूज वुड बी अंडरटेकन इन कन्वर्जेंस विद अदर गवर्नमेंट प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स द मिशन इज बेस्ज ऑन अ कम्युनिटी अप्रोच टू वॉटर एंड इंक्लूड्स एक्सटेंसिव इन्फॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन एज अ की कंपोनेंट ऑफ द मिशन तो देखिए सिर्फ ये नहीं है कि जल जीवन मिशन पानी दे के छोड़ दिया हाउ टू कंजर्व दैट वाटर इन दी फ्यूचर क्योंकि हमें पता है कि आने वाले 20 सालों में 30 सालों में मैं तो काफ़ी ज़्यादा टाइम बोल रहा हूँ हो सकता है उससे भी कम टाइम में वी विल बी फेसिंग दिस स्केरसिटी ऑफ वाटर राइट तो उसको किस तरह से स्केरसिटी को कम किया जा सके और किस तरह से पानी का सेंसिबल इस्तेमाल हो सके वो भी जल जीवन मिशन के अंतर्गत रूरल एरियाज़ में लोगों को रेडियो के माध्यम से न्यूज़पेपर के माध्यम से छोटी छोटी एजेंसी या टीम्स बनाकर गवर्नमेंट की टीम्स बनाकर डोर टू डोर कैंपेनिंग करके एक पूरा मूवमेंट चलाया जाएगा कि आपको किस तरह से पानी का सेंसिबल इस्तेमाल करना है ओके okay, तो ये चीज़ भी उसके साथ इंक्लूड की गई है जे जे एम लुक्स टू क्रिएट अ जन आंदोलन फॉर वाटर देयर बाय मेकिंग इट एवरी वन प्रायोरिटी और हम पिछले काफ़ी सालों से काफ़ी सालों से ये चीज़ देख रहे हैं होली में पहले क्या होता था हम बिंदास तरीके से पानी का मिस यूज़ करते थे बट पिछले कुछ सालों में क्योंकि अवेयरनेस बड़ी है तो जहाँ जहाँ भी सोसाइटीज़ में या फ्लैट्स में या पब्लिकली जहाँ भी होली मनाई जाती है तो वो सिर्फ सूखी होली मनाई जाती है एंड गवर्नमेंट एंड एवरी अदर न्यूज़ चैनल एवरी लोकल लीडर इज़ एंड एनवायरमेंट से रिलेटेड जो लोग हैं जुड़े हुए जो लोग हैं वो लोग भी आपको यही प्रमोट करेंगे कि वाई टू वेस्ट सो मच ऑफ वाटर आप होली में एक ही दिन में अगर पचास हज़ार लीटर पानी बहा दे रहे हो एक सोसाइटी वाले राइट तो वो पचास हजार लीटर पानी किसी एक एरिया को हो सकता है कि एक हफ्ते भर के लिए चल सकता हो तो वी नीड टू थिंक लाइक दैट वी नीड टू शिफ्ट अवर अप्रोच बिहेवियरल अप्रोच जो है हमारा टुवर्ड्स वाटर टुवर्ड्स एनवायरनमेंट वो हमें चेंज करने की ज़रूरत है और गवर्नमेंट यही चाहती है कि जब तक उसको जन आंदोलन में कन्वर्ट नहीं किया जाएगा तब तक पानी का कोई कंजर्वेशन होने वाला नहीं है राइट right? गवर्नमेंट क्या कर पाएगी जब तक आप अपने घर में 20 लीटर पानी अगर बहा दे रहे हो तो गवर्नमेंट कैन नॉट डू एनीथिंग इट विल बी प्रमोटेड एज अ जन आंदोलन फंडिंग पैटर्न क्या होगा सो द फंड शेयरिंग पैटर्न बिटवीन द सेंटर गवर्नमेंट एंड द स्टेट्स गवर्नमेंट इज 90 टू 20 मीनिंग 90 परसेंट जो पैसा होगा अगर लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है तो 90 परसेंट पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देगा दिल्ली से आएगा वो पैसा रेस्ट 10 परसेंट पैसा लोकल जो भी म्यूनिसिपल बॉडी होगी या तो जो भी स्टेट होगा उसको देना पड़ेगा फॉर हिमालयन सो दीज आर फॉर हिमालयन एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड फॉर 50 50 फॉर अदर स्टेट्स एंड 100% परसेंट फॉर यूनियन टेरिटरीज सो अदर स्टेट्स जो है हिमालयन स्टेट्स को छोड़कर और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को छोड़कर बाकी सारे जो राज्य हैं वहाँ पे 50 50 सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट पैसा देगी टू बिल्ड दी लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर और जो यूनियन टेरिटरीज है वहाँ के लिए हंड्रेड परसेंट पैसा दिया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से द टोटल अलोकेशन टू दिस स्कीम इज ओवर थ्री लैख करोड़ रुपीज़ देखिए थ्री लैख करोड़ रुपीज़ आवंटित किए गए हैं अलॉट किए गए हैं उसमें आने वाले पाँच सालों में क्या करना है पूरा जो लोकल स्ट्रक्चर है लोकल बॉडी में जो स्ट्रक्चर है फॉर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन उसको खड़ा करना है और इसके लिए टारगेट रखा गया है 2024 2024 दो हज़ार चौबीस तक देश के हर गांव के घर में आपको नल से जल मिलेगा सो दिस वाज क्वाइट एन इजी टॉपिक नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा तो ये टॉपिक और इसके बाद वाला जो टॉपिक है दैट इज इंटर रिलेटेड एक हंगर इंडेक्स पब्लिश हुआ है ऑन वर्ल्ड फूड डे तो ये दोनों इंटर रिलेटेड टॉपिक है तो जरा उस हिसाब से ध्यान दीजिएगा वर्ल्ड फूड डे इज सेलिब्रेटेड टू द दस्टेब्लिशमेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन अब देखिए एफ ए ओ से आपको कुछ याद आना चाहिए दो मिनट स्लाइड पॉज कीजिए और सोचिए कि एफ ए हमने कब पढ़ा है पिछले ही वीक जब हमने नोबल प्राइज़ के बारे में बात की थी तो वी हैव टॉक्ड अबाउट एफ ए राइट सो वर्ल्ड फूड डे इज सेलिब्रेटेड टू कॉमोमोरेट दस्टेब्लिशमेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑन सिक्सटीन ऑफ अक्टूबर नाइनटीन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रिलीज द कॉमोमोरेटिव कॉइन ऑफ रुपीज सेवेंटी डिनोमिनेशन टू मार्क द सेवेंटी एनिवर्सरी ऑफ द एफ तो ये दिस इज दंडरलाइंट लाइन के ये आपको खास तरीके से पूछा जा सकता है कि कौन से मौके पर पचहत्तर रुपये के डिनोमिनेशन वाला पचहत्तर रुपये की कीमत वाला एक स्पेशल कॉइन लॉन्च किया गया बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तो वो हो जाएगा वर्ल्ड फूड डे के लिए और किसकी सक्सेस सेलिब्रेट करने के लिए टू सेलिब्रेट सक्सेस ऑफ एफएओ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ द एजेंसी ऑफ़ यूनाइटेड नेशंस एफ एज़ अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ़ द यूनाइटेड नेशंस दैट लीड्स इंटरनेशनल एफर्ट्स टू डिफीट हंगर तो जितने भी देशों में जहाँ पे हंगर ज़्यादा एक बड़ा मुद्दा है वहाँ पर किस तरह के आ, किस तरह से हाउ टू इराडिकेट दंगर एंड पॉवर्टी उसके लिए एफ ए काम करेगा वर्ल्ड फूड डे क्या है सो इट इज़ ऑब्जर्व्ड एन्युअली ऑन सिक्सटीन ऑफ अक्टूबर टू अड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबल हंगर इट एम्फोसाइजिज ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टू दैट इज़ पॉपुलरली नोन एज एस डी जी टू मीनिंग जीरो हंगर सो बाई ट्वेंटी थर्टी वर्ल्ड शुड अचीव द ज़ीरो हंगर गोल बट जैसे कि मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि ड्यू टू तो कोविड नाइन्टीन पेंडेमिक जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो हो सकता है कि हमें थोड़ा बहुत दस साल या पंद्रह साल पीछे जाते हुए दिखे क्यों क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज़ ऐसे हैं जिनकी इकोनॉमी काफ़ी बुरी तरह से बर्बाद हो चुकी है इन लास्ट सिक्स सेवन मंथ्स तो उसी की वजह से वो लोग कोई भी कंट्री चाहे वो यू हो चाइना हो रशिया हो सबकी इकोनॉमी को असर हुआ है तो कोई भी कंट्री एसडीजी को प्रायोरिटी नहीं देगा वो पहले अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए कोशिश करेगा इसीलिए एसडीजी को थोड़ा बहुत पीछे पोस्टपोन किया जा सकता है उसका जो टाइम लिमिट है वो क्या किया जाएगा बढ़ाया जा सकता है 2020 के लिए थीम क्या थी इट वाज ग्रो नरिश सस्टेन टुगेदर तो ये आपको थीम याद रखनी है देर हैज़ बीन अ रिन्यूड फोकस ऑन फूड न्यूट्रिशन हेल्थ इम्यूनिटी एंड सस्टेनेबिलिटी ड्यू टू दी अनप्रेसिडेंटेड चैलेंजेस पोस्ड बाई दी कोविड नाइन्टीन पेंडेमिक तो कोविड नाइन्टीन की वजह से काफ़ी सारी जो ऑनगोइंग प्रोग्राम्स थे उनको भी काफ़ी दिक्कत हुई है राइट उन उनको जो फंड मिल रहा था वो फ़ंड मिलना बंद हो गया तो काफ़ी ज़्यादा लोग हंगर की तरफ चले गए जो बिलो पॉवर्टी लाइन के जो लोग थे तो आने वाले टाइम में उन चैलेंजेस के साथ कैसे लड़ा जाएगा उनको कैसे टेकल किया जाएगा उसके बारे में आने वाले समय में हमें बात करनी है सेवेंटी फिफ्थ एनिवर्सरी ऑफ एफ ओवर द ईयर्स एफ हैज़ हेल्प्ड टू इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एंड इरेडिकेट हंगर ऑल ओवर वर्ल्ड, इंक्लूडिंग इंडिया एंड हैज़ प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इंक्रीजिंग न्यूट्रीशन ट्वेंटी ट्वेंटी नोबल प्राइज टू दी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इज ऑल्सो मेजर अचीवमेंट फॉर दी एफएओ ए ओ एज द प्रोग्राम वाज स्टार्टेड बाय एफएओ ओके तो जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि एफएओ के द्वारा स्टार्ट किया गया जो प्रोग्राम था वर्ल्ड फूड प्रोग्राम डब्ल्यू उसको स्पेसिफिकली नोबल प्राइज दिया गया है जो कि नाइनटीन से जो स्टार्ट किया गया था नाइनटीन में वो प्रोग्राम ऑन पेपर स्टार्ट हुआ है नाइनटीन सिक्सटी एट ने एक्चुअल उसने अपना काम करना स्टार्ट किया था तो तब से लेकर अब तक वो काफ़ी सारे लोगों को हंगर से बाहर निकाल चुका है एंड दैट्स वाई 2020 का जो पीस प्राइज है वो डब्ल्यू को दिया गया है विच इज़ दी प्रोग्राम स्टार्टेड बाई एफ एंड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस इसी ही दिन एक इंडेक्स पब्लिश हुआ है जिसको नाम दिया गया है ग्लोबल हंगर इंडेक्स India has been ranked at 94 among 107 countries in the global hunger index 2020. And this is not a good position for India or a country like India. Right? economy bloom Before COVID-19. And government was claiming that everything is hunky-dory, everything is going fine. After that, also, EXOSAT countries may say if we are on the

देन नेपाल हमसे आगे है बांग्लादेश हमसे आगे है म्यांमार इज़ ऑल्सो हेड ऑफ़ अस पाकिस्तान इज़ ऑल्सो हेड ऑफ़ अस इंडिया इज ऑन नाइन्टी फोर ओनली नेबरिंग कंट्री में अफगानिस्तान इज़ बिहाइंड अस

टू तो जितना आपका हायर स्कोर होगा मीनिंग आपके यहाँ पे हंगर के काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं हंगर इज़ अ बिगर प्रॉब्लम एंड यू हैव नॉट डेल्ट विथ दी हंगर इश्यू प्रॉपरली एंड दैट्स वाई यू आर ऑन दी लेटर पोजिशंस सो ग्लोबल हंगर इंडेक्स क्या है जॉइंटली पब्लिश्ड बाई इट इज एन एनुअल रिपोर्ट तो हर साल इसको पब्लिश किया जाता है बाई हुम सो जॉइंटली पब्लिश्ड बाई कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ ये हमने पिछली बार 2019 का जो हंगर इंडेक्स है वो भी हमने देखा था उसी पेज को खोलिए और वहीं पे 2020 की डिटेल आपको आ, अपडेट करनी है देखिए ये क्यों ज़रूरी है क्योंकि यू एंड जी पिछले काफ़ी सालों से ज़रूरी नहीं है कि आपको पिछले एक साल का या ग्यारह महीने का ही करंट अफेयर्स पूछेंगे अगर लेवल हार्ड करना हो एग्जामिनेशन का तो व्हाट दे विल आस्क कि 2019 से 2020 में इंडिया का रैंक आगे हुआ है या पीछे हुआ है अब जब तक आपको 2019 का डेटा आपके दिमाग में फिट नहीं है यू कैन नॉट आंसर दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट सो दैट्स वाई जब भी आप ऐसे इंडेक्सिस प्रिपेयर कर रहे हो तो हमेशा टेबुलर फॉर्म बना लीजिए और दो तीन कॉलम एक्स्ट्रा छोड़ दीजिए आने वाले एक दो सालों के लिए राइट right? ताकि आप वहीं पे जाके सारी डिटेल वापस नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है यू शुड जस्ट अपडेट द रैंक रैंक में कोई चेंज है अगर चेंज है तो क्यों चेंज है पड़ोसी देशों के रैंकिंग में क्या चेंज है ये सारी चीज़ें आपको वहीं पे अपडेट कर देनी है सो so, जब आप कंपैरिजन करोगे आपका 2019 का डेटा रिवाइज भी हो जाएगा एंड 2020 का डेटा आप वहीं पे उसके साथ कंपेयर भी कर पाओगे ओके सो इट वॉज फर्स्ट प्रोड्यूस्ड इन टू इट इज़ पब्लिश्ड एवरी अक्टूबर द ट्वेंटी एडिशन मार्क्स द दिफ्टीन एडिशन ऑफ द ग्लोबल हंगर इंडेक्स एम क्या है इसका सो टू कॉम्प्रीहेंसिवली मेजर एंड ट्रैक हंगर एट ग्लोबल रीजनल एंड कंट्री लेवल्स तो ग्लोबल लेवल पे हंगर की क्या सिचुएशन है रीजनल लेवल पे हंगर की क्या सिचुएशन है कंट्री लेवल पे स्टेट लेवल पे हंगर की क्या सिचुएशन है ये सारी डिटेल्स आपको ग्लोबल हंगर इंडेक्स की पूरी रिपोर्ट में आपको डिटेल्ड रिपोर्ट आपको वहाँ पर देखने को मिले मिलेगी कैलकुलेशन कौन से बेसिस पे होते हैं सो द जी एच आई स्कोर्स आर कैलकुलेटेड ईच ईयर टू असेस प्रोग्रेस एंड सेटबैक्स इन कॉम्बेटिंग हंगर इट इज़ कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ फोर मेजर इंडिकेटर्स कौन से कौन से वो फोर मेजर इंडिकेटर्स अंडर नरिशमेंट जिसको हम अल्प पोषण कहेंगे अंडर नरिशमेंट चाइल्ड वेस्टिंग चाइल्ड स्टंटिंग एंड चाइल्ड मोटालिटी मृत्यु दर बच्चों का मृत्यु दर क्या है ओके सो अंडर नरिशमेंट क्या हो गया सो शेयर ऑफ द पॉपुलेशन विथ इनसफिशेंट कैलोरिक इंटेक अब ये फोटोज हमारे लिए नई नहीं, नहीं है कुपोषण या अल्प पोषण वाले बच्चों या महिलाओं के जो इमेजेस है वो हमारे लिए इंडिया में नई नहीं, नहीं है आए दिन न्यूज चैनल उसको कवर करते रहते हैं नेक्स्ट इज चाइल्ड वेस्टिंग सो शेयर ऑफ चिल्ड्रन अंडर एज फाइव हु हैव लो वेट फॉर देयर हाइट रिफ्लेक्टिंग अक्यूट अंडर न्यूट्रिशन तो उनको अपने शरीर के हिसाब से खाना नहीं मिल पा रहा है तो उनकी एक कैटेगरी है वो एक इंडिकेटर हो गया नेक्स्ट इड चाइल्ड स्टंटिंग शेयर ऑफ चिल्ड्रन अंडर एज फाइव हु हैव लो हाइट फॉर देर एज रिफ्लेक्टिंग क्रॉनिक अंडर न्यूट्रिशन तो जब उनका शारीरिक विकास ठीक से नहीं हो रहा है तो वो क्यों नहीं हो रहा है ऐसे कौन से न्यूट्रिशन है जो उनको नहीं मिल पा रहा है और क्यों नहीं मिल पा रहे दैट इज आल्सो वन ऑफ द इंडिकेटर्स एंड चाइल्ड मोर्टालिटी दी मोर्टालिटी रेट मतलब मृत्यु दर दी चाइल्ड मोर्टालिटी रेट ऑफ चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ फाइव तो पाँच साल तक का होते होते कितने बच्चे मर जाते हैं किसी भी कारण की वजह से और जनरली वो क्या होता है कुपोषण की वजह से खाना नहीं मिल पाता खाना नहीं मिलेगा तो आपका Uh, शारीरिक डेवलपमेंट जो होना चाहिए फिजिकल डेवलपमेंट नहीं होगा जब फिजिकल डेवलपमेंट नहीं होगा तो आपका इम्यून सिस्टम जो है वो डेवलप नहीं होगा और जब इम्यून सिस्टम डेवलप नहीं होगा तो आपको ईजीली कोई भी डिजीज़ लग सकता है और उन डिजीज़ की वजह से कोलेरा न्यूमोनिया डेंगू एक्स नंबर ऑफ़ डिजीज आर देर उसके साथ इसको छोड़ा जाएगा तो ये चार मेजर आपके इंडिकेटर्स है जिसको मेजर करके ग्लोबल हंगर इंडेक्स बनाया जाता है स्कोरिंग सो बेस्ड ऑ ऑन दी वैल्यूज ऑफ द फोर इंडिकेटर्स दी जी एच आई डिटरमाइंस हंगर ऑन हंड्रेड पॉइंट स्केल वेर जीरो इज द बेस्ट पॉसिबल स्कोर मीनिंग नो हंगर तो देखिए आगे हमने देखा कि सत्रह ऐसे कंट्री है वन टू सेवनटीन सत्रह ऐसे कंट्री है जहाँ पर ऑलमोस्ट नो हंगर स्टेट पर वो लोग पहुँच चुके हैं जिसमें से एक है हमारा पड़ोसी चाइना आउट ऑफ दिस वन जीरो सेवन कंट्रीज तो सारे के सारे सत्रह कंट्रीज को क्योंकि उनका स्कोर लेस देन फाइव था उनको एक ही रैंकिंग दे दी गई है एंड दे ऑल आर इन वन टू सेवेंटीन, नो स्पेसिफिक रैंकिंग इज देयर ओके सो आपका जितना हायर रैंक होगा आप जितने सौ के नजदीक आपका पॉइंट होगा उतना आपके यहाँ पे हंगर ज्यादा है ईच कंट्रीज जी एच आई स्कोर इज क्लासिफाइड बाई सीवियरिटी फ्रॉम लो टू एक्सट्रीमली अलार्मिंग तो यह चीज आपको याद रखनी है इंडिया का स्कोर भी आपको याद रखना है इज़ नेबरिंग कंट्रीज़ ओनली अफगानिस्तान इज बिहाइंड अस बाकी सारे हमारे नेबरिंग कंट्रीज जो है वो हमसे आगे इवन पाकिस्तान इवन म्यांमार एंड इवन बांग्लादेश नाउ अस सी द ग्लोबल सिनारियो सो वर्ल्ड वाइड हंगर के लिए क्या रिपोर्ट में लिखा गया है सो रिप्रेजेंटेड बाय अ जीएचआई स्कोर ऑफ़ 18.2 पॉइंट टू दैट इज अ मॉडरेट लेवल ऑफ हंगर डाउन फ्रॉम 2000 जीएचआई स्कोर ऑफ 28.2 दैट इज अ सीरियस काइंड ऑफ हंगर फैक्टर्स क्या क्या थे कि क्यों इन कंट्री को हायर हंगर है क्यों कुछ कंट्री में लोअर हंगर रेशियो है सो द कोविड नाइनटीन पेंडेमिक एंड द रिजल्टिंग इकोनॉमिक डाउन टर्न एज वेल एज अ मैसिव आउटब्रेक ऑफ डेजर्ट लोकस्ट इन द हॉर्न ऑफ अफ्रीका एंड अदर क्राइसिस आर एग्जर्बेटिंग फूड एंड न्यूट्रीशन इन सिक्योरिटी फॉर मिलियंस ऑफ पीपल ये फ्यूचर के बारे में बात हो रही है कि आने वाले टाइम में हो सकता है कि इंडिया का जो या कोई भी कंट्री का जो रैंकिंग है वो और पीछे जाएगा इट नीड्स टू बी नोटेड द ट्वेंटी ट्वेंटी जी एच आई स्कोर्स डू नॉट रिफ्लेक्ट द इम्पैक्ट ऑफ कोविड नाइन्टीन ऑन हंगर एंड अंडर न्यूट्रीशन बट बिफोर कोविड नाइन्टीन ऑल्सो क्योंकि चाइना और यू एस ए का ट्रेड वर्ल्ड ट्रेड वॉर चल रहा था मिडल ईस्ट में ईरान का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था यू के साथ अफ्रीका में तो ऑलरेडी काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट चलते ही रहते हैं दैट इज़ अ नोन रीजन फॉर दैट मिडल ईस्ट में पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे इंडिया में जी एस टी नोटबंदी जैसे काफ़ी सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे जिसकी वजह से जो स्मॉल एंड मीडियम स्केल बिजनेस थे उसको काफ़ी असर पड़ा और उसकी वजह से जो डेली वेज वर्कर है उसकी अर्निंग पे काफ़ी असर पड़ा और उसकी वजह से वो अंडर न्यूट्रीशन की कैटेगरी में चला गया जब मुझे ठीक से ढंग से नौकरी ही नहीं मिलेगी या मुझे डेली का काम ही नहीं मिलेगा तो रात को मुझे पैसा नहीं मिलेगा रात को जब मुझे इनफ मनी नहीं मिलेगा टू तो बाई दी फूड तब तक मैं पूरा हेल्दी न्यूट्रीशन न्यूट्रीशन वाला खाना खरीद कर मैं नहीं खा पाऊंगा सो देर आर मल्टीपल एस्पेक्ट्स की क्यों इंडिया का रैंकिंग इतना पीछे है दी मैंशनड क्राइसिस कम ऑन द टॉप ऑफ एग्जिस्टिंग हंगर कॉज्ड बाई कॉन्फ्लिक्ट क्लाइमेट एक्सट्रीमीज एंड इकोनॉमिक शॉक्स रैंडम अनप्रडिक्टेबल इवेंट्स ओके जैसे साइक्लोन आ गया फ्लड आ गया कोई जैसे पेंडेमिक आ गया कोविड नाइन्टीन आने वाला था ये हमें नहीं पता था बट आ गया तो उसका इम्पैक्ट आने वाले टाइम में हमें अगर नहीं भी चाहते तो हमें उसको सफ़र करना पड़ेगा सो रीजन वाइज परफॉर्मेंस क्या क्या था तो अफ्रीका साउथ ऑफ़ दहारा एंड साउथ एशिया हैव दाइएस्ट हंगर एंड दंडर न्यूट्रीशन लेम्ड रीजन्स विद ट्वेंटी ट्वेंटी जी एच आई स्कोर्स ऑफ ट्वेंटी जीरो तो दिस इज रिस्पेक्टिवली बोथ कंसिडर्ड सीरियस तो ये आपको कैटेगरी याद रखनी है कि इट इज इन सीरियस कैटेगरी इंडिया को रखा गया है एस डी जी टू प्रोग्रेस द वर्ल्ड इज नॉट ऑन ट्रैक टू अचीव द सेकेंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नोन एज जीरो जीरो हंगर फॉर शॉर्ट बाई 2030 थर्टी ये चीज़ मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ कि ऑलरेडी हम ट्रैक पे नहीं थे ऊपर से आ गया आपका कोविड 19 तो बाई 2030 2030 में अब 10 साल बचे हुए हैं और उसमें से दो तीन साल तो इकोनॉमी रिवाइव करने में चले जाएंगे तो ज़ीरो हंगर वाला जो हमारा एस था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो कि यू ने प्रपोज किया था और सारे कंट्रीज उसके ऊपर काम कर रहे थे भाई अपनी इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा वैसी स्कीम्स पे लगा रहे थे वहाँ तक पहुँचना हमारे लिए शायद पॉसिबल ना हो पाए इंडियन सिनारीो सो ओवरऑल परफॉर्मेंस विथ अ स्कोर ऑफ़ ट्वेंटी सेवन पॉइंट टू इंडिया इज़ अ लेवल ऑफ हंगर दैट इज़ सीरियस इट रैंक्स नाइन्टी फोर आउट ऑफ वन जीरो सेवन कंट्रीज़ इन द इंडेक्स इन ट्वेंटी नाइनटीन इंडियाज़ रैंक वॉट वॉज वन जीरो टू आउट ऑफ वन वन सेवन कंट्रीज तो ट्वेंटी नाइन्टीन का जब आप नोट खोलोगे तो आपको ये डिटेल ऑलरेडी वहाँ पे लिखी हुई मिलेगी इन आपकी नोट्स कंपैरिजन विद अदर कंट्रीज जो कि ऑलरेडी हम कर चुके हैं तो आपको जो भी नेबरिंग कंट्रीज है उसका रैंकिंग भी आपको याद रखना है कि किससे हम आगे हैं और किससे हम पीछे हैं तो बेसिकली जो अफ्रीकन कंट्रीज़ है और इंडिया उनका जो रैंकिंग है दैट इज़ uh, वो नज़दीक नज़दीक है क्यों क्योंकि अफ्रीका में भी देर इज़ अ मैसिव हंगर इश्यूज एंड इन इंडिया ऑल्सो देर इज़ अ मैसिव हंगर इश्यूज सो ये हो गया आपका ग्लोबल हंगर इंडेक्स ट्वेंटी ट्वेंटी और हंगर या तो माल न्यूट्रिशन को रिड्यूस करने के लिए एलिमिनेट करने के लिए गवर्नमेंट ने सेंट्रल लेवल पर स्टेट लेवल पर काफ़ी सारी स्कीम चला कर रखी है वी ऑलरेडी नो अबाउट ऑल दोज स्कीम्स तो मैं जस्ट आपको शॉर्ट में बता दूंगा कि क्या है वो एंड देन वी विल मूव हैड ईट राइट इंडिया मूवमेंट जो कि अभी पिछले साल ही चालू किया गया है राइट right? कि आपको सही खाना है हेल्दी खाना है ताकि आप फिट रहोगे जो कि स्टार्ट किया गया है एफ द्वारा फॉर सिटीजन्स टू नच दे टाइट तो रेडियो द्वारा न्यूज पेपर के द्वारा दैट इज ऑल्सो बींग कन्वर्टेड टू अ मूवमेंट के भाई आपको जंक फूड कम करना है और हेल्दी न्यूट्रीशन भरा आपको खाना रेगुलर डाइट में आपको इंक्लूड करना है नेक्स्ट इज पोषण अभियान सो लॉन्च बाई मिनिस्ट्री ऑफ वुमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इन ट्वेंटी एटीन इट टारगेट्स टू रिड्यूज स्टंटिंग अंडर न्यूट्रीशन एंड एनीमिया अमोंग यंग गर्ल्स वुमन एंड चिल्ड्रन, ओके जब प्रेग्नेंट वुमन होती है वो भी काफ़ी सारी माल न्यूट्रिशन वाली महिला हो महिलाएँ होती है अब जब महिला ही माल न्यूट्रिशन का शिकार है तो उसका जो आने वाला बच्चा है वो कैसे हेल्दी हो पाएगा तो जब आप एक महिला को हेल्दी करोगे देन यू प्रोवाइडिंग ऑल द फैसिलिटीज टू द एंटायर फैमिली सो देट्स वाई वुमेन पे कॉन्सेंट्रेट किया जा रहा है देन प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना जो मेटर्निटी के टाइम पर आपको पैसे दिए जाएंगे फेज़ uh, वाइज जब आपने तीन महीने पूरे के जब आपको प्रेगनेंसी के बाद पैसे दिए जाएंगे छः महीने जब में पैसे दिए जाएंगे जब बच्चा डिलीवर होगा तब पैसे दिए जाएंगे तो दैट इज़ नोन एज़ प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना फ़ूड फोर्टिफिकेशन देन नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 ये काफ़ी रिवॉल्यूशनरी एक्ट था कि सबको खाने का अधिकार है तो 75 परसेंट ऑफ़ द रूरल पॉपुलेशन को उसमें कवर किया जाना था और 50 परसेंट ऑफ अर्बन पॉपुलेशन को उसमें कवर किया जाना था तो वो भी अभी अभी काफ़ी अच्छे तरीके से चल रहा है इंडिया में नेक्स्ट इज़ मिशन इंद्रधनुष इंद्रधनुष के बाद इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष भी आ गया विच इज़ नोन एज़ इंद्रधनुष 2.0 जो कि 12 काइंड ऑफ डिजीज़ की वैक्सीन प्रोवाइड करवाता है ताकि माल न्यूट्रिशन की वजह से अगर उसको वैक्सीन मिली हुई है तो भी उसको डिजीज़ ना लगे और पाँच साल छः साल के बच्चों की मौत ना हो जाए इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज स्कीम सो लॉन्च ऑन सेकेंड अक्टूबर 1975 सेवेंटी फाइव द इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज स्कीम ऑफर्स अ पैकेज ऑफ सिक्स सर्विसेज कौन से कौन से सिक्स सर्विसेज दोज़ आर सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्री स्कूल नॉन फॉर्मल एजुकेशन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन इम्यूनाइजेशन हेल्थ चेकअप एंड रेफरल सर्विसेज टू चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ जीरो टू सिक्स ईयर्स प्रेगनेंट वुमन एंड टिंग मदर्स तो आप जब स्कूल में रहे होंगे तो आपको हमेशा स्कूल में साल में एक बार आपका हाइट वेट ये सारी चीज़ें आपकी मेजर की जाती थी तो दोज आर ऑल दार्ट ऑफ दिस आई सी डी स्कीम तो गवर्नमेंट इतनी स्कीम ये तो सेंट्रल लेवल की स्कीम है देर आर मल्टीपल स्टेट लेवल स्कीम जो चल रही है होमवर्क में आपको मुझे ये बताना है कि गुजरात सरकार माल न्यूट्रिशन को कम करने के लिए या वुमेन माल न्यूट्रिशन को कम करने के लिए कौन सी योजनाएं चला रही है आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर्स नेक्स्ट इज कला संस्कृति विकास योजना सो रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हैज़ इश्यूड गाइडलाइंस फॉर होल्डिंग कल्चरल इवेंट्स एक्टिविटीज इन वर्चुअल और ऑनलाइन मोड अंडर वरियस स्कीम्स कंपोनेंट्स ऑफ कला संस्कृति विकास योजना अभी कला संस्कृति विकास योजना एक्चुअली जो लोकल कल्चर है उसको किस तरीके से बूस्टअप किया जाए और उसको किस तरीके से लोकल इकोनॉमी के साथ जोड़ा जाए इसके लिए कला संस्कृति विकास योजना को डेवलप किया गया था लॉन्च किया गया था बट क्योंकि अब कोविड नाइन्टीन की वजह से आप बड़े बड़े गैदरिंग्स नहीं कर सकते सो so उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने गाइडलाइन इशू की है कि आपको फिज़िकली वो हेल्ड करने की ज़रूरत नहीं है उसको ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत नहीं है यू कैन ऑर्गेनाइज दो कल्चरल इवेंट्स वर्चुअल और इन ऑनलाइन मोड सो द कोविड नाइनटीन पेंडेमिक एंड द रिजल्ट लॉकडाउन हैव हैड अ सब्सटेंशियल इम्पैक्ट ऑन द परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड कल्चरल सेक्टर तो नाटक नहीं हो रहे सिनेमा बंद है तो दोज आर कल्चरल सेक्टर्स विद इन परसन एग्जिबिशंस इवेंट्स एंड परफॉर्मेंसिज ईदर कैंसल्ड और पोस्टपोन्ड एग्जाम्पल बुपिया तो बहरूपिया करके एक जो इवेंट होती है वो पूरी तरह से क्या कर दे दी गई है कैंसिल कर दी गई है दी गाइडलाइंस विल एनेबल आर्टिस्ट जैसे कि अब हम अगर गुजरात में देखें तो गुजरात में नवरात्रि जो कि दुनिया का लॉन्गेस्ट डांसिंग फेस्टिवल जिसको कहा जाता है गवर्नमेंट ने उसकी परमिशन नहीं दी है क्यों ताकि कोविड नाइन्टीन का जो इन्फेक्शन है वो ज़्यादा लोगों में ना फैले तो ऐसे काफ़ी सारे कल्चरल इवेंट को टोटली totally कैंसिल कर दिया गया है या तो पोस्टपोन कर दिया गया है सो द गाइडलाइंस विल अनेबल आर्टिस्ट टू अवेल बेनिफिट्स अंडर के एस वी वाई इवन इफ दे आर नॉट एबल टू स्टेज प्रोग्राम्स इन द फिजिकल फॉर्मेट एज बिफोर एंड विल एंश्योर कंटिन्यूड फिनंशियल असिस्टेंस अब नवरात्रि के एग्जाम्पल से हम समझेंगे तो नवरात्रि में क्या होता था डीजे वाले को बुलाया जाता था या गाने वालों को बुलाया जाता था सिंगर्स को बुलाया जाता था सिंगर पूरी अपनी टीम लेके आता था जिसमें कोई तबला बजा रहा है कोई शहनाई बजा रहा है एक्स वाई जेड लाइटिंग वालों को बुलाया जाता था फूड स्टॉल लगते थे तो ये सारी चीज़ें चनिया चोली या जो ट्रेडिशनल ड्रेसेस थे वो बिकते थे तो ये सारी चीज़ें इस बार पूरी तरह से क्या हो गई बंद हो गई अब जो लोग सीजनल बिजनेस करते होंगे या साल या पूरे साल के लिए जो नवरात्रि के लिए ही जो काम करते होंगे उन लोगों का धंधा पूरी तरह से क्या हो गया है ठप हो गया है तो ऐसे लोगों की फिनंशियल इनकम चालू रहे इसके लिए गाइडलाइंस को इशू किया गया है कला संस्कृति विकास योजना इज़ एन अम्ब्रेला स्कीम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर फॉर द प्रमोशन ऑफ आर्ट एंड कल्चर इन द कंट्री इट इज़ अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये लॉन्च की गई है दी मिनिस्ट्री इंप्लीमेंट्स मैनी स्कीम्स अंडर के एस वी वाई वेर दी ग्रांट्स आर सेंश अप्रूव्ड फॉर होल्डिंग प्रोग्राम्स और एक्टिविटीज तो वो क्या क्या है बेसिकली स्कीम ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर प्रमोशन ऑफ़ आर्ट एंड कल्चर नेक्स्ट इज स्कीम ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर क्रिएशन ऑफ कल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि कोई आर्ट सेंटर बना दिया कोई नाटक के लिए कोई नाट्य गृह या थिएटर बना दिया तो उन सारी चीज़ों के लिए लिए भी गवर्नमेंट आपको पैसा देगी स्कीम फॉर सेफ गार्डिंग दी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज इंटेंजिबल मतलब जिसको फिजिकली uh, मेजर नहीं किया जा सकता जिसको आंकड़ों में मेजर नहीं किया जा सकता दैट इज़ नोन एज इंटेंजिबल जिसको छुआ नहीं जा सकता बेसिकली फिजिकली ओके सो स्कीम फॉर सेफ गार्डिंग द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज विच एम्स टू प्रमोट द थर्टीन इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया रिकोगनाइज बाई दी यूनेस्को और वो कौन से है तो दीज आर दी थर्टीन कल्चरल इवेंट्स जिसको प्रमोट करने के लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी हेल्प करेगी तो ट्रेडिशन ऑफ वेदिक चैंटिंग 2008 रामलीला जो है जो हर साल नवरात्रि के दौरान देश के कई हिस्सों में परफॉर्म की जाती है कुटियाट्टम संस्कृत थिएटर एंड देर आर मल्टीपल अदर्स तो जस्ट गो थ्रू दिस लिस्ट और इसको आपको याद रखना है क्योंकि इसमें से कोई भी आपको एग्जाम में सीधा सीधा या तो डिटेल के साथ पूछा जा सकता है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर दीज आर थर्टीन इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया ओके और आपको ये भी ध्यान रखना है कि आने वाले सालों में अगर ये लिस्ट में कुछ अपडेट होता है सो दैट ऑल्सो यू नीड टू पे अटेंशन टू नेक्स्ट इज वीट वेराइटी एम ए सी एस सिक्स फोर सेवन एट अब क्यों ये न्यूज़ में है देखिए यहाँ पे आपको दिख रही है राइट right? आप अगर घर में जब सीजन होती है मार्च अप्रैल का महीना होता है तो आपके घर में गेहूँ चावल और साल भर के मसाले भरे जाते हैं तो देर आर एक्स नंबर ऑफ ब्रांड्स फॉर ईच एंड एवरी स्पाइसी और ग्रेन्स और पल्सेस सो दीट वेराइटी कॉल्ड एक वीट वेराइटी है गेहूँ की एक खास किस्म की फसल है जिसको नाम दिया गया है एम एस सी एस सिक्स फोर सेवन एट हैज़ डबल्ड द क्रॉप यील्ड फॉर द फार्मर्स इन करंज खोप अ विलेज इन महाराष्ट्र देखिए जो रिटर्न था वो डबल कर दिया गया है मतलब मान लीजिए करंज खोप के जो फार्मर्स थे वो मान लीजिए पहले अगर सौ रुपये कमाते थे एक किलो गेहूँ पे वो अब सीधा एक किलो गेहूँ पे दो सौ रुपये कमा रहे हैं फॉर एन एग्जाम्पल क्यों ऐसा हुआ सो so, ये जो पर्टिकुलर ब्रांड है या पर्टिकुलर स्पीशीज़ है जो गेहूं की सो so, वो डेवलप की गई है साइंटिस्ट फ्रॉम अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे एन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फीचर्स क्या क्या है सो इट इज़ अ कॉमन वीट और अ ब्रेड वीट जिसको साइंटिफिक uh, क्या नाम दिया गया है ट्रिटिशियम एसटीवम ट्रिटिशियम एस्टिवम अदर पॉपुलर वीट वेराइटीज़ आर ड्यूरम वीट एंड क्लब वीट दिस इज अ हाइब्रिड क्रॉप जिसको एक दो फसल को मिक्स करके जैसे आप बनाओगे कलम करके जो नया ही स्पीशीज उगाया जाएगा उस टाइप का दिस इज हाइब्रिड क्रॉप सो हाई मीनिंग प्रोड्यूस्ड बाय द क्रॉस ब्रीडिंग ऑफ टू जेनेटिकली डिफरेंट वेराइटीज ऑफ स्पीशीज हाइब्रिड्स आर ऑफन स्पॉन्टेनियसली एंड रैंडमली क्रिएटेड इन नेचर वेन ओपन पोलिनेटेड प्लांट्स नेचुरली क्रॉसपोलिनेट विद अदर रिलेटेड वराइटीज़ नॉट जेनेटिकली मॉडिफाइड देखिए ये हाइब्रिड क्रॉप्स आर नॉट जेनेटिकली मॉडिफाइड जैसे अगर आपने सुना हो अगर आपको बॉटनी में इंटरेस्ट हो तो गुलाब की कलम की जाती है उसका क्या मतलब है कि अगर आ, रेड रोज और येलो रोज़ की अगर कलम में करता हूँ तो जो नया गुलाब उगेगा इट विल भी समथिंग डिफरेंट वो ना तो लाल होगा ना ही पीला होगा वो दोनों का मिक्सचर होगा तो उस तरीके से आपकी ये हाइब्रिड क्रॉप है जिसको क्या नाम दिया गया है एम एस सी एस सिक्स फोर सेवन एट और ये उगाने से वहाँ के जो फार्मर्स हैं उनको काफ़ी फ़ायदा हुआ है अपनी इनकम में मच्योर्स इन वन वन जीरो डेज देखिए उसका जो मच्योरिटी पीरियड है वो भी काफ़ी कम है मच्योर इन वन वन जीरो डेज एंड इट इज़ रेजिस्टेंट टू मोस्ट रेसिस ऑफ लीफ एंड स्टेमरस्ट तो जो डिजीज लगते हैं उसको भी वो अच्छी तरीके से रेजिस्ट कर लेता है दिस इज अगेंस्ट दी नॉर्मल मेच्योरिंग अटेंड आफ्टर 140 फोर्टी टू फिफ्टी डेज देखिए आपका एक से डेढ़ महीना जो है वो यहाँ पे बच जाएगा जो कि नॉर्मल अगर मैं स्पीशीज उगाता हूँ गेहूँ की तो मुझे इतना टाइम लगेगा रिक्वायर्ड फॉर व्हीट वेराइटीज़ कल्टिवेटेड कॉमनली इन नॉर्दर्न इंडिया दिज एम्बर कलर्ड मीडियम साइज ग्रेन कंटेन्स फोर्टीन परसेंट प्रोटीन

तीस क्विंटल जितना गेहूँ निकाल पाते थे उतनी फसल निकलती थी उनकी अब जब तीस क्विंटल फसल निकलेगी तो मुझे पैसा उस हिसाब से मिलेगा अब वो लोग सीधा फिफ्टी टू सिक्सटी क्विंटल पर हेक्टर गेहूँ निकाल रहे हैं तो मेरा इनकम जो है वो ऑलमोस्ट क्या हो गया है डबल हो गया है तो ये काफ़ी फ़ायदा हुआ है कहाँ पे आपको नाम याद रखना है करंज खोप अ विलेज इन महाराष्ट्र तो करंज कोप के जो फार्मर्स हैं उन्होंने ये ट्राई किया और उनको उसका अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट मिला है तो बेसिकली आपको ये गेहूँ की जो प्रजाति है जो अलग वैरायटी है उसका नाम याद रखना है एम एस सी एस सिक्स फोर सेवन एट अदर ए आर आई वीट वेराइटीज़ एम एस सी एस फोर ज़ीरो टू एट तो यहाँ पे मैंने आपको स्पेसिफिकेशन दिए हुए हैं जो भी अलग अलग पॉपुलर वराइटीज़ है यू कैन गो थ्रू दिस दिस इज क्वाइट अ डिटेल्ड इंफॉर्मेशन सो यू कैन जस्ट गो थ्रू इट वंस इसको पूरी तरीके से याद रखने की आपको जरूरत नहीं है दिस इज जस्ट फॉर दरिजन विथ एम एस सिक्स फोर सेवन एट नेक्स्ट इज सिक्सटी फिफ्थ एनिवर्सरी ऑफ बांडूंग कॉन्फ्रेंस नॉन अलाइंस मूवमेंट तो देखिए नाइनटीन के एराज में काफी सारे मूवमेंट चल रहे थे दुनिया में क्योंकि काफी सारे रहनेसों हो रहे थे रहनेसों रे, का मतलब क्या है काफी सारे क्रांति हो रही थी उसी में से एक जो क्रांति है उसका नाम है नॉन अलाइंड मूवमेंट और नॉन अलाइंड मूवमेंट के तहत बांडूंग कॉन्फ्रेंस की गई थी 1955 में इंडोनेशिया में तो आज भी इंडिया इज आल्सो पार्ट ऑफ दिस एन और आज भी इंडिया के हेड ऑफ़ स्टेट जो है या तो फिर हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है वो जब जब इसकी कॉन्फ्रेंस होती है तो एन में हिस्सा लेने के लिए इंडिया को बुलाया जाता है क्यों बिकॉज इंडिया इज़ अ मेम्बर ऑफ एन सो दर ईयर 2020 मार्क्स दिक्सटी फिफ्थ एनिवर्सरी ऑफ द लैंडमार्क बांडोंग कॉन्फ्रेंस दैट रिजल्टेड इन दडोपशन ऑफ द फाउंडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ दी नॉन अलाइंट मूवमेंट The basic concept of non aligned movement originated in 1955 during discussions that took place at the Asia Africa Bandung Conference held in Indonesia. The milestone of the 65th anniversary is a good time to reflect upon the philosophy behind the movement. India reiterated that NAM never was and can never be a platform for pursuits that. Undermine the territorial integrity of a state by the another state. और इंडिया ने ये इंडिया का ये कहना क्यों मायने रखता है Because India is battling with its नेबरिंग countries for the territorial issues. चाइना के साथ हमारा झगड़ा चल रहा है पाकिस्तान के साथ हमारा झगड़ा चल रहा है बांग्लादेश के साथ हमारा झगड़ा चल, चल रहा था बॉर्डर इशूज़ चल रहे थे जो कि हमने पिछले 40-50 सालों से जो इशू था उसको हमने सुलझा दिया श्रीलंका के साथ कभी कभी चलता है हमारा जो आ, वाटर बॉर्डर के साथ जो डिस्प्यूट है तो इंडिया ने वापस ये रिटरेट किया है वजन देकर कि हम कभी ये नहीं चाहेंगे हम किसी देश का हिस्सा ले लें बट वी ऑल्सो नीड टू कंजर्व और प्रोटेक्ट अवर लैंड तो वो इंडिया ने यहाँ पे कहा है इंडिया विल डिप्लॉय हर रिच डेवलपमेंटल एक्सपीरियंस फॉर द पीस एंड वेलफेयर ऑफ humanity, ट्रीटिंग द वर्ल्ड as वन फैमिली तो ये इंडिया का काफ़ी सालों से ओके फॉर सेंचुरीज हमारा ये एक कॉन्सेप्ट रहा है और हमारी आइडियोलॉजी रही है कि वी डू नॉट वॉन्ट टू अटैक एनी वन या हमें किसी का कुछ चाहिए भी नहीं बट देट इज़ अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमारा है उसको हमें क्या करना है प्रोटेक्ट करना है कंजर्व करना है सो इंडिया ऑल्सो एम्फोसाइज दैट इन ऑर्डर टू मेक एन ए एम अ रेलिवेंट एंटिटी इन द ग्लोबल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इट्स मेम्बर मस्ट अवॉइड रेजिंग इश्यूज दैट डिवाइड द फोरम अब देखिए यहाँ पर चाइना भी मेम्बर है पाकिस्तान भी मेबर है बांग्लादेश भी मेम्बर है तो अगर इंटरनली अगर ये लोग लड़ते रहेंगे तो ग्लोबल लेवल पर एशिया पैसिफिक का जो वॉइस है वो क्या हो जाएगा वीक हो जाएगा जो कि इंडिया नहीं चाहता कोविड नाइन्टीन इज अ रिमाइंडर ऑफ दी Interconnectedness and dependencies or dependence of NM members on each other. Members must work to reduce the socio economic impact of the pandemic on the most vulnerable sections of society. NM's unique tradition of perform promoting South South cooperation can provide a way out as societies look to rebuild and regenerate the wake of this crisis. सारे कंट्रीज एक दूसरे को हेल्प नहीं करेंगे तब तक वो इकोनॉमी जो है वो रिवाइव होने वाली नहीं है अपार्ट फ्रॉम द ग्लोबल पेंडेमिक टेररिज्म क्लाइमेट चेंज साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स एंड अन ईवन इम्पैक्ट ऑफ फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स अदर टेक्नोलॉजीज जो कि वर्चुअल स्पेस में है एंड डेवलपमेंट कंसर्नस आर फ्यू अदर चैलेंजेस विच कैन ओनली बी टेकल्ड इफ ऑल द मेम्बर्स वर्क टूगेदर The strength of the NAM lies in its diversity, its shared developmental experience, and its youthful populations. Okay, and this this is the background of your Non-Aligned Movement. It was formed during the Cold War as an organization of states that did not seek to formally align themselves with either of USA or the Soviet Union, but sought to remain independent or neutral. क्योंकि आप अगर यूएसए के साथ जुड़ते आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर या वाला जो एरिया था थर्टीज़ फोर्टीज़ वाला जो एरा था अगर आप यूएसए के साथ जुड़ते तो आप रशिया को अपना दुश्मन बना लेते हो अगर आप रशिया उस टाइम पे यूएसएसआर था तो अगर आप यूएसएसआर के साथ जुड़ते हो विच इज़ अ सोशलिज्म गवर्नमेंट तो आप यूएसए को अपना दुश्मन बना लेते हो और एशिया पैसिफिक के जो कंट्री थे दे कुड नॉट अफोर्ड एनी एनीमी From यू एस ए और सोवियत यूनियन उनको यू एस ए की भी उतनी ही ज़रूरत थी जितनी उनको सोवियत यूनियन की ज़रूरत थी इसीलिए उन्होंने एक थर्ड फ्रंट बनाया जिसको नाम दिया गया नॉन अलाइंड मूवमेंट जहाँ पे जहाँ के जो कंट्रीज थे उन्होंने ये डिसाइड किया कि वी डू नॉट वॉन्ट टू गो विथ यू एस ए नॉर विथ सोवियत यूनियन वी वॉन्ट टू रिमेन इंडिपेंडेंट और हमें जिसकी जैसी ज़रूरत होगी उस हिसाब से हम करते जाएंगे इन दी फ्यूचर फाउंडेशन क्या था सो सिक्स ईयर्स आफ्टर द बांडुंग कॉन्फ्रेंस द मूवमेंट ऑफ नॉन अलाइंड कंट्रीज वर फाउंडेड ऑन अ वाइडर बांडुंग कॉन्फ्रेंस हुई थी 1955 में ऑन अ वाइडर ज्योग्राफिकल बेसिस एट द फर्स्ट समिट कॉन्फ्रेंस ऑफ बेलेग्रेड विच वॉज हेल्ड इन सप्टेम्बर नाइनटीन सिक्सटी वन इट वॉज हेल्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ जोशिप ब्रोज टीटो ऑफ युगास्लाविया गैमेल अब्दुल नाजीर ऑफ इजिप्त जवाहरलाल नेहरू ऑफ़ इंडिया क्वामे नुक्रामा ऑफ़ घाना एंड सुकरनो ऑफ इंडोनेशिया तो ये सारे जो हेड ऑफ़ द स्टेट थे उन्होंने मिलकर ये बांडुंग कॉन्फ्रेंस 1961 में उन्होंने इनिशिएटिव लिया पर्पस क्या था तो प परपज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वाज इन्यूमरेटेड इन दी हवाना डिक्लेरेशन ऑफ 1979 टू एंश्योर द नेशनल इंडिपेंडेंस सॉवरनिटी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ नॉन अलाइंट कंट्रीज इन देयर स्ट्रगल अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म न्यो कॉलोनियलिज्म रेसिज्म एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ फॉरेन सब्जुकेशन राइट तो ये सारी चीज़ों से ये सारे कंट्रीज अलग रहना चाहते थे क्यों अलग रहना चाहते थे बिकॉज ऑल दोजर बेसिकली थर्ड वर्ल्ड कंट्री और थर्ड वर्ल्ड कंट्री को यू एस ए की भी ज़रूरत थी और रशिया की भी ज़रूरत थी इसीलिए उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम एक अलग से ग्रुप बनाएंगे हमें जिस जब यू की ज़रूरत होगी तो हम यू के साथ ट्रीटी करेंगे जब हमें रशिया की ज़रूरत होगी तो हम रशिया के साथ ट्रीटी करेंगे सो दिस वॉज बांडूंग कॉन्फ्रेंस और वो आज भी रेगुलरली होती है और उसमें टाइम टू टाइम जो भी ऑन गोइंग है उसको वहाँ पे एड्रेस किया जाता है सो इट हैज़ वन ट्वेंटी मेम्बर्स एज ऑफ अप्रैल ट्वेंटी एटीन कंप्राइजिंग फिफ्टी थ्री कंट्रीज फ्रॉम अफ्रीका थर्टी नाइन फ्राम एशिया ट्वेंटी सिक्स फ्राम लेटिन अमेरिका एंड द कैरेबियन एंड टू फ्रॉम यूरोप तो मैं आपको पूरा एक मैप है वो दिखा दूंगा आपको जब इंडियन पर्सपेक्टिव से वो क्या है वो आपको याद रखने की जरूरत है अदरवाइज नो नीड टू रिमेंबर एवरीथिंग देर आर सेवनटीन कंट्रीज एंड टेन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दोज आर ऑब्जर्वर्स एट एन एम हेड क्वार्टर कहाँ है सो एन एम डज नॉट हैव अ फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन और परमानेंट सेक्रेटरीट एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉन हायरकियल एंड रोटेशनल डिसीजन आर मेड बाई कंसेंसिस कंसेज कंसेंस का मतलब है एक मत विच रिक्वायर्स सबस्टेंशियल एग्रीमेंट बट नॉट यूनैनिम्यूनिटी यूनैनिम्यूनिटी होना जरूरत नहीं है बट कंसेंसस होना इज नेसेरी ओके एंड दीज आर दंट्रीज सो जो डार्क ब्लू कंट्रीज है दोज आर देंबर्स ऑफ एन ए एम नॉन अलाइंट मूवमेंट और जो लाइट ब्लू कंट्रीज आपको दिख रहे हैं दोज आर ऑब्जर्वर स्टेट्स ऑब्जर्वर कंट्रीज तो ये चीज़ आपको याद रखनी है अलॉन्ग विद दिस कंट्रीज देर आर मल्टीपल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो जो कि यहाँ पे ऑब्जर्वर के तौर पर काम करती है सो द नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरनेशनल सोलार अलायंस और रिसेंटली सोलार अलायंस के चेयरमैनशिप या तो प्रेसिडेंसी के लिए इंडिया को चुना गया है सो दैट्स वाई दिस इज क्वाइट एन इंपॉर्टेंट न्यूज फॉर अस और ये इसकी थर्ड असेंबली की मीटिंग थी सो रिसेंटली इंडिया एंड फ्रांस हैव हैी इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट एंड को प्रेसिडेंट ऑफ़ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस फॉर अ टर्म ऑफ टू ईयर्स एट द वर्चुअल थर्ड असेंबली ऑफ़ आई एस ए द फर्स्ट टू असेंबलीज वर हेल्ड इन इंडिया इन ट्वेंटी एटीन एंड ट्वेंटी नाइनटीन तो ये जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है वो इंडिया का गिफ्ट है टू द एंटायर वर्ल्ड इंडिया ने ये बोला है कि जो आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जब बात कर रहे हो तो सोलर एनर्जी का क्यों इस्तेमाल नहीं कर रहे हो और इंडिया कैन बी दी हब फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोलर इक्विपमेंट्स सो ये इंडिया ने काफ़ी अच्छा गिफ्ट दिया है पूरी दुनिया को और काफ़ी सारे डेवलप्ड कंट्रीज भी ऑलरेडी इसके साथ जुड़ चुके हैं द असेंबली अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशनलाइजिंग आई एस एस एंगेजमेंट विद द प्राइवेट एंड पब्लिक कॉरपोरेट सेक्टर थ्रू द कोलिशन फॉर सस्टेनेबल क्लाइमेट एक्शन वरियस सोलर अवार्ड वर कन्फर्ड ऑन कंट्रीज एज वेल एज इंस्टीट्यूशंस दी विश्वेश्वरैया अवार्ड रिकोगोगनाइजेज द कंट्रीज विद द मैक्सिमम फ्लोटिंग सोलार कैपैसिटी इन ईच ऑफ दी फोर रीजन्स ऑफ आई एस ए विच आर एशिया पैसिफिक अफ्रीका यूरोप एंड अदर रीजन एंड लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियन रीजन तो वहाँ पर अगर आपका जो मैक्सिमम फ्लोटिंग सोलार कैपेसिटी होगी अगर किसी भी कंट्री के पास तो उसको द विश्वेश्वरैया अवार्ड दिया जाएगा जो कि इंडिया की तरफ से कॉन्फर हुआ है दी कल्पना चावला अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स वर्किंग इन द फील्ड ऑफ सोलर एनर्जी तो अगर कोई साइंटिस्ट काफ़ी बढ़िया काम करता है अगर सोलर एनर्जी के फील्ड में तो उसको कल्पना चावला अवार्ड दिया जाएगा द दिवाकर अवार्ड रिकोगनाइज ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशंस दैट हैव बीन वर्किंग फॉर द बेनिफिट ऑफ डिफरेंशियली एबल्ड पीपल एंड हैव मैक्सिमाइज्ड द यूज ऑफ सोलर एनर्जी इन द होस्ट कंट्री तो उसको क्या उन लोगों को या ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को क्या दिया जाएगा दिवाकर अवार्ड दिया जाएगा आपको तीनों के नाम याद रखने हैं किसके साथ जुड़े हुए हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस इन अवे वो सौर ऊर्जा के साथ जुड़े हुए अवार्ड हैं विश्वेश्वरैया अवार्ड कल्पना चावला अवार्ड एंड दिवाकर अवार्ड एंड ये आई एस ए के बारे में वी ऑलरेडी नो एवरीथिंग इट इज एन इंडियन इनिशिएटिव दैट वॉज लॉन्च बाई द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड द प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस ऑन थर्टींथ नवेंबर ट्वेंटी फिफ्टीन इन पेरिस फ्रांस ऑन द साइड लाइन ऑफ दी ओ पी ट्वेंटी ट्वेंटी रिच कंट्रीज लाइंग फुल्ली पार्शियली बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ केपरिकॉन एज प्रोस्पेक्टिव मेम्बर्स ऑब्जेक्टिव क्या था टू कलेक्टिवली एड्रेस की कॉमन चैलेंजेस टू दी स्केलिंग अप ऑफ सोलर एनर्जी इन आई एस ए मेम्बर कंट्रीज टिल नाउ एटी सेवन कंट्रीज द फ्रेमवर्क अग्रीमेंट ऑफ द आई एस ए एंड ऑफ दिस सिक्सटी सेवन हैव डिपॉजिटेड देयर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ रेटिफिकेशन तो सिक्सटी सेवन ने ऑलरेडी सारे जो लीगल एंड ऑल जो रेटिफिकेशन के अग्रीमेंट थे वो ऑलरेडी दे दिए हैं Nicaragua, a Central American country, is the 87th and the latest country to sign the agreement.

तो ये इंडिया की जो ग्लोबल लेवल पे जो पहुंच है या जो स्टेचर है उसको भी ये डिस्प्ले करता है तो वो एक चीज़ इंटरनेशनल रिलेशन के साथ आपको जोड़कर देखनी है सो दिस वाज योर टूडेज लेक्चर और ये आपके होमवर्क टॉपिक है स्लाइनेक्स एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट हो गई है तो आपको डिटेल में मुझे बताना है कि वॉट इज़ स्लाइनेक्स एक्सरसाइज नेक्स्ट इज़ मिशन शक्ति जो कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है आफ्टर दी हाथरस रेप इंसिडेंट और तीसरा है ऑपरेशन ट्विस्ट तो आने वाले एक दो हफ्ते में आर ऑपरेशन ट्विस्ट का जो पहला चरण है जो पहला फेज है उसको इनिशिएट करेगी तो अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑपरेशन ट्विस्ट को ध्यान से पढ़िए दैट इज़ द टॉपिक रिलेटेड टू योर इकोनॉमी अगर वहाँ पे कोई भी छोटा सा भी डाउट है अप्रोच मी आई एल एक्सप्लेन इट टू यू so these are your these are your homework topics i hope you have enjoyed the lecture and understood the all the topics thoroughly let me know in case of any doubt stay home stay safe thank you